तो ऑसिलेशंस में जो सेकंड एग्जांपल है वो है सिंपल पेंडुलम की। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट से हम इसे देखेंगे कि कहाँ पर आपको जो है वो पेंडुलम में किस तरह से वेरिएशंस मिल सकती है और हम उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, पेंडुलम भी सेम उसी तरह से टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है, बस इसमें हमने ये चेक करना है कि ये आपको डायरेक्ट लिंक देता है एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ या नहीं। और इसमें हम पोजीशंस डिस्कस करते हैं कुछ। ठीक है, हम अलग अलग पोजीशंस पे पेंडुलम को ऑब्जर्व करेंगे। और लेट सपोज उस पेंडुलम से पहले अगर हम ये देखें कि लेट सपोज अगर वो सेंटर पोजीशन में हो, जो कि उसकी मीन पोजीशन होगी, और वो सेंटर पोजीशन से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट पे डिस्प्लेस करता है, लेट सपोज ये हमारे पास इसकी नॉर्मल पोजीशन आ गई सेंटर से नॉर्मल, और नॉर्मल से हम इसे थोड़ा सा लेफ्ट पर लेकर गए। तो इसका कुछ ना कुछ एंगल बनेगा वहां पर, और जो पेंडुलम के साथ स्फेयर होगा, तो अब स्फेयर की अगर हम बात करें तो इस स्फेयर पे जो फोर्सेस होंगी वो कुछ इस तरह से डिवाइड होंगी कि जो बॉडी का वेट होगा वो तो स्ट्रेट डाउनवर्ड होगा। तो बॉडी का वेट स्ट्रेट डाउनवर्ड हो जाएगा, और इसके हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे जिस तरह से हमने एएस में देखा था कि फोर्सेस के कंपोनेंट थे। तो एक कंपोनेंट यहाँ हॉरिजॉन्टल बनेगा और एक बिल्कुल इस थ्रेड के साथ बनेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो डब्ल्यू साइन थीटा ये आपके पास एक कंपोनेंट शो करेगा और जो दूसरा कंपोनेंट है ये रिप्रेजेंट करेगा डब्ल्यू कॉस थीटा को। और जो थ्रेड में फोर्स अप्लाई होगी, थ्रेड या स्ट्रिंग की जो फोर्स होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टेंशन से, जो बॉडी को सपोर्ट कर रही होती है। जिस तरह अगर आप अपने बैक की एग्जांपल लो, तो बैक को जब हम शोल्डर्स पे होल्ड करे होते हैं उसकी बेल्ट की हेल्प से, तो जो फोर्स उस पे अप्लाई होती है तो वो उसे टेंशन की फोर्स हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को नोट करते हैं कि अगर लेट सपोज पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा लेफ्ट पर हो, ठीक है, उसके बाद वो अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाए और फिर वो राइट पर जाएगा, राइट पर जाने के बाद वो फिर सेंटर पे आएगा और फिर वो लेफ्ट पर चला जाएगा। और इन सब में अगर हम देखें मीन पोजीशंस, ये मेन पोजीशन, इसकी तो मेन पोजीशन ही है, मेन पोजीशन, फिर से मेन पोजीशन पर वापस आ गया और ये फिर से दोबारा हमारी सेंटर में मेन पोजीशन। तो अगर हम इसको स्टार्ट से ऑब्जर्व करना शुरू करें, इनिशियली पेंडुलम लेफ्ट साइड पर गया और जब आप उसे लेफ्ट साइड पर लेकर जाओगे तो उस पे फोर्स जो अप्लाई होगी वो फोर्स अप्लाई होगी टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, अगेन ऑपोजिट अप्लाई होगी, आप उसे नेगेटिव लेकर गए लेकिन वो पॉजिटिव की तरफ आएगा।
तो इसकी जो रोटेशन है बेसिकली ऑसिलेशंस वो इस डायरेक्शन में हो रही है। इस डायरेक्शन में होने के बाद ये फर्दर राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब हम सब में फोर्सेस मार्क करते हैं और यहां पर आने के बाद जो है वो उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। क्योंकि जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन से पास होती है तो उस वक्त वो मैक्सिमम स्पीड से पास होती है, तभी हमने कल भी डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। और इसके बाद जब वो राइट हैंड साइड पर चली जाएगी मीन पोजीशन से, पेंडुलम राइट हैंड साइड पर चला जाएगा, तो फिर अगेन ऑपोजिट फोर्स एक्ट करेगी, वो उसे सेंटर की तरफ लेकर आएगी। और वो जब उसे सेंटर की तरफ लेकर आएगी तो वो नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव लिया हुआ है आज भी और राइट हैंड साइड को पॉजिटिव, तो सब में ये साइड नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और अगेन जब वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाने लगेगा तो दोबारा वो अपनी मीन पोजीशन से गुजरेगा, और जब वो अपनी दोबारा मीन पोजीशन से गुजरेगा तो आपको फिर से मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। और मैक्सिमम स्पीड मिलने के बाद दोबारा से वो अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था, और फिर ये मोशन आपकी दोबारा से उसी तरह से कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सी मोशन आ गई पेंडुलम की, ये मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन। तो अब हम इन सारी एग्जांपल्स में अगर कुछ चीजों को डिस्कस करें, लेट्स सपोज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इनकी डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स और थर्ड एक्सेलरेशन। तो अगर हम इन तीनों चीजों को मार्क करें हर पोजीशन के लिए, तो लेट सपोज जो सबसे फर्स्ट पोजीशन होगी तो वहां पर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जहां पर हम बॉडी को लेकर गए, तो वो उसे हम लेकर गए नेगेटिव साइड पर, ठीक है। क्योंकि हमारी जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव है, तो अभी पेंडुलम नेगेटिव साइड पर गया है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो माइनस एक्स नॉट होगा। नॉट हम इसलिए लगाते हैं कि ये हमारी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, तो इसलिए हम नॉट का सिंबल यूज करते हैं। और अगर आप ये देखो कि हम जब इसे राइट लेफ्ट लेकर जा रहे थे तो राइट लेफ्ट वाला जो कॉम्पोनेंट है वो है डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है। तो इस डब्ल्यू साइन थीटा को हम फोर्स के कॉम्पोनेंट्स में लिखते जाएंगे। आप इसे लेफ्ट लेकर गए लेकिन उसकी रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ पर अप्लाई हुई, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, वो फोर्स हो जाएगी पॉजिटिव डब्ल्यू साइन थीटा। अब जब फोर्स पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, और सेकंड पोजीशन में हम देखें तो सेकंड तो बिल्कुल मीन पोजीशन पर है, तो वहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, फोर्स भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, मतलब कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं कर रही अभी, सब बैलेंस है। फिर हम थर्ड पोजीशन में गए, थर्ड पोजीशन का मतलब ये कि अब हम राइट हैंड साइड पर हैं पेंडुलम के साथ, तो वो साइड पॉजिटिव ली हमने, उसे पॉजिटिव एक्स नॉट लिखेंगे। और अब फोर्स जो है वो ऑपोजिट जाएगी अगेन, तो ऑपोजिट जाने का मतलब ये कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, उसके साथ हम लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन भी माइनस ए नॉट। फिर दोबारा वो सेंटर पे आएगी तो जीरो जीरो जीरो, और अगेन लास्ट में उसी मोशन को वो रिपीट करेगी जहां से उसने स्टार्ट किया था, माइनस एक्स नॉट से।
ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आ गया, जिस तरह से हमने कल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए डिस्कस किया था कि स्प्रिंग मास सिस्टम में बॉडी किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, और अब हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह से हमने कल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए किया था, और जो चीज़ें इसमें हमने मेंशन करनी है वो मेंशन करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो डब्ल्यू साइन थीटा था तो ये डब्ल्यू साइन थीटा आपको ये बता रहा था हर एग्जाम्पल में कि आपकी रीस्टोरिंग फोर्स क्या थी। रीस्टोरिंग फोर्स अगेन रबर बैंड की एग्जाम्पल में अगर हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो वो इंटेंशनली उसकी ये होती है बॉडी की कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करे, और जब वो ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करने पे जाएगा तो वो सेंटर की तरफ आएगा। ठीक है, तो वो एक तरह से ये जो एफ हमने हर पोजीशन में मेंशन किया है प्लस एफ माइनस एफ, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करना चाह रहा होता है, यानी ये उसे मीन पोजीशन की तरफ लेकर आना चाहता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम ये लिख सकते हैं कि डब्ल्यू साइन थीटा जो है वो एक रीस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रही है, सो इट इज एक्टिंग एज अ रीस्टोरिंग फोर्स जो बॉडी को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाना चाह रही है। दैट टेंड्स टू ब्रिंग दैट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजिशन। तो ये मेन पर्पज हो गया डब्ल्यू साइन थीटा का। और इसके अलावा अगर हम इसकी एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो अगेन हम फोर्स से स्टार्ट करेंगे, फोर्स इक्वल होती है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फोर्स जो होगी वो एम ए के इक्वल होगी, और जो पेंडुलम पे फोर्स एक्ट कर रही थी वो डेफिनेटली डब्ल्यू साइन थीटा थी, जो उसकी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि जो डब्ल्यू कॉस थीटा थी वो डब्ल्यू कॉस थीटा तो उस थ्रेड के बिल्कुल ऑपोजिट थी, तो वो टेंशन को बैलेंस कर रही है। तो डब्ल्यू कॉस थीटा बैलेंस कर रही है टेंशन को, और डब्ल्यू साइन थीटा जो है वो बॉडी की मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, तो इसलिए हम डब्ल्यू साइन थीटा को यूज कर रहे हैं। एफ इक्वल्स टू एम ए के बाद हम दूसरा फैक्टर लिखेंगे, डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए, और डब्ल्यू हमें पता है कि बॉडी का वेट इक्वल होता है एम जी के, तो डब्ल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एम जी से। एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए, तो दोनों एंड से मास कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये बॉडी के मास पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब पेंडुलम की अगर बात की जाए, कभी वो आपसे रीजनिंग भी पूछे तो एक चीज हमें यहाँ से ये पता चल रही है कि बॉडी का मास जो है वो पेंडुलम उस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसके फॉर्मूला से मास ही रिमूव हो गया। और दूसरी चीज ये कि जो हमारा साइन थीटा है, अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर देखें, जो पेंडुलम में बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल से आपको साइन थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो सेंटर से अगर हम देखें ये थीटा एंगल बन रहा था यहाँ पे, और ये जो लेंथ है
ये स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी, और अगर यहां पर पेंडुलम था तो ये पूरी इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो थ्रेड की लेंथ आ गई, और थ्रेड की लेंथ के साथ जो है वो पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो साइन थीटा को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, यानी साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्राइंगल से आप देख सकते हो, और हम इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए, और साइन थीटा को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके फॉर्मूला से। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर इक्वल होगा एक्स ओवर एल, और माइनस साइन डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि वो हमें पता है ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही जाना चाहेगा, तो वो डायरेक्शन आपकी हमेशा ऑपोजिट ही रहेगी। तो ये इक्वल हो जाएगा जी माइनस एक्स ओवर एल इज इक्वल्स टू ए, और ए इज इक्वल्स टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। तो यहां से आपको एक चीज तो क्लियर हो रही है कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अगर हम ये सेंटर वाले कंपोनेंट्स की बात करें, जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, लेंथ पी, अगर आप एक बार पेंडुलम की लेंथ कंसिडर करोगे तो वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो इन दो फैक्टर्स को कांस्टेंट कंसिडर करते हुए आप इन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अगेन माइनस एक्स के। ठीक है, और इससे आपको दोबारा से ये हिंट मिल जाएगी कि पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है, और इसमें आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड को स्मॉल रखा जाता है। एक चीज और हमने यहाँ पर देखनी, क्योंकि हमने कहीं पर भी बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेशंस को चेक नहीं किया, और ये जो नीचे एक्स को हमने हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया, इसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा। उसका रीजन ये है, अ सिंपल पेंडुलम अ सिंपल पेंडुलम ऑब्जर्व्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। If it is so if it is oscillating at very small amplitude small amplitude, इसका मतलब है कि थीटा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल, यानी जितना क्लोज हो सकता है उतना शॉर्ट एम्पलीट्यूड लेंगे, और जब आप इतना शॉर्ट एम्पलीट्यूड लोगे तो डेफिनेटली ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हॉरिजॉन्टल ही लगेगी हमें, क्योंकि हमने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं लिया। तो ये जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशंस ऊपर ली हैं, इसलिए हमने इसमें एम्पलीट्यूड बहुत छोटा लिया है, कि इससे आपको जो इसकी डिस्प्लेसमेंट मिल रही है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल मिल रही है। तो इसमें ये एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया कि हमने साइन थीटा में जो ट्राइंगल कंसिडर किया राइट एंगल इसे, तो उसमें ये स्ट्रेट लाइन कैसे मिली, उसका ये रीजन आ गया क्योंकि हमने एंगल को बहुत शॉर्ट लिया था, और बहुत शॉर्ट ऑब्जर्व करेंगे तो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव हो जाएगा, और बाकी आपकी इक्वेशन की फॉर्मेशन भी आ गई कि अगर वो आपसे कहते हैं कि आप बाय इक्वेशन प्रूव करके दिखाओ या ड्राइव करके दिखाओ इक्वेशन कि सिंपल पेंडुलम भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर सकता है, तो यहाँ से आप उसको आइडिया ले सकते हो कि किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें
किया जा सकता है। उसके बाद टाइम पीरियड, जिस तरह से स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला था टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, इसी तरह से अब वहाँ स्प्रिंग मास सिस्टम में बॉडी का मास इंक्लूड था, तो वहाँ पे मास पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मास इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता, ये लेंथ पे डिपेंड करता है थ्रेड की और एंगल पे। तो सेम हम इसमें अब इसमें टाइम पीरियड जब फाइंड आउट करेंगे, तो जिस तरह से हमने कल टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, इसी तरह से यहाँ पर भी कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन होगा दो इक्वेशंस का, एक हमने लिखा था कि ए इज इक्वल्स टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, और दूसरी इक्वेशन ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा सेम वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी कल वाली कॉन्सेप्ट का आइडिया हम यहाँ से लेंगे, तो इसमें ओमेगा स्क्वायर इस बार इक्वल है जी ओवर एल के, कल वो एम ओवर के इक्वल था। सेम अब इसमें भी अंडर रूट करना है, दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर की वैल्यूज हैं, तो ओमेगा तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई ओवर टी। इज इक्वल्स टू ठीक है, तो दोनों साइड पर जो अंडर रूट है वो अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये फाइनल इक्वेशन आपके पास बनेगी 2 पाई ओवर टी इज इक्वल्स टू जी ओवर एल, और इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेंगे तो टाइम पीरियड इक्वल हो जाएगा टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई ओवर टी था, हम इसको वैल्यू को फ्लिप कर लेंगे तो टी ओवर 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल ओवर जी हो जाएगा, फिर हम 2 पाई को दूसरे एंड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली आपके पास इक्वेशन आ जाएगी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में आपको एक चीज दिख रही है कि इसका टाइम पीरियड जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको यहाँ से मिल रही है कि स्फेयर का साइज आप कुछ भी कंसिडर कर लो, उसमें आपका टाइम पीरियड सेम ही आएगा अगर लेंथ सेम ले रहे हो आप और सेम जगह पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, मतलब वैल्यू ऑफ जी वहां पर सेम है। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन मिले आपको कि मास अगर हम इंक्रीज करते हैं तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा सिंपल पेंडुलम के, तो आप फॉर्मूला का रेफरेंस देकर बता सकते हो कि इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर आप स्फीयर एक 10 ग्राम का लेते हो, एक 20 ग्राम, एक 30 ग्राम का लेते हो, तो तीनों कंडीशंस में आपके पास जो टाइम पीरियड होगा वो सेम मिलेगा आपको। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास आइडिया हो गया सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड का और स्प्रिंग मास सिस्टम का।
अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जब हम पेंडुलम को ऑसिलेट कराते हैं या स्प्रिंग मास सिस्टम को ऑसिलेट करवाते हैं, तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, मतलब नेचुरली भी, कि लेट सपोज अगर आप एक टेनिस बॉल को थ्रेड के साथ टाई करके और उसे ऑसिलेट कराओ, और एक बार आप बस उसे पुल करके एक एम्पलीट्यूड पर और आप उसे रिलीज कर दो, तो वो कुछ टाइम सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के बाद या कुछ टाइम ऑसिलेट करने के बाद वो रेस्ट स्टेट में दोबारा से आपको मिलेगा अपनी मीन पोजीशन पे। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सराउंडिंग में रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, बॉडी जिस डायरेक्शन में जाएगी उसके ऑपोजिट उसको एयर रेजिस्टेंस मिलेगी। जिस तरह हम रोड पर वॉक करते हैं तो हमें फ्रिक्शन मिलती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसी तरह से आपको एयर रेजिस्टेंस मिलती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर एक डिफरेंट टर्म के साथ यूज करते हैं, और उस टर्म का नाम है डैम्पिंग। तो अगर हम डैम्पिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें तो डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जिस तरह से पेंडुलम की बात कर रहे थे हम, या नॉर्मल स्विंग होता है जो पार्क्स में हम देखते हैं, उसमें भी क्या होता है, अगर आप एक बार पुश कर दो तो वो ऑटोमेटिक उसकी ऑसिलेशन डिक्रीज होती है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है और वो एक टाइम पर आकर स्टॉप हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट ये है, डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड। सो डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। आप स्प्रिंग की एग्जांपल ले लो, आप स्प्रिंग को भी ऑसिलेट कराओ, स्प्रिंग मास सिस्टम को, वो भी थोड़े टाइम बाद स्टॉप हो जाएगा क्योंकि उसका भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा होगा। और ये होता है इसलिए क्योंकि रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं, एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है एनर्जी कंजर्वेशन में, कि जब काइनेटिक पोटेंशियल से काइनेटिक में एनर्जी कन्वर्ट होती है तो प्लस उसमें कुछ हीट लॉस भी होती है हीट की फॉर्म में, तो वो डैम्पिंग में भी वो सब फैक्टर्स इंक्लूड हैं, क्योंकि कुछ एनर्जी आपकी वेस्टफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जिसे आप थर्मल एनर्जी भी कह सकते हो, और ये थर्मल एनर्जी आपको इस वजह से मिल रही है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्सेस हैं। कॉज बाय अ रेजिस्टिव फोर्स, और वो रेजिस्टिव फोर्स काफी सारी हैं जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किए। फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस। तो ये सब फैक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। और अगर लेट सपोज हमने डैम्पिंग को इंक्रीज करना हो, ठीक है, मतलब ये तो हो गया डैम्पिंग का बेसिक फैक्टर। तो डैम्पिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, तो उसमें बहुत सिंपल से फैक्टर्स हैं। जिस तरह से अगर हम पेंडुलम की ही एग्जांपल लें, तो अगर पेंडुलम का साइज इंक्रीज कर दें तो डैम्पिंग इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? मतलब आपके पास पेंडुलम है ना, पेंडुलम के आगे आप एक स्क्वायर कार्डबोर्ड स्टिक कर दो बिल्कुल फ्लैट, तो डैम्पिंग इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जिस तरह से हम नॉर्मल कार्स की शेप देखते हैं, कार्स की शेप स्ट्रीमलाइंस होती है, लेकिन अगर वो कार की स्क्रीन को बिल्कुल फ्लैट कर दें तो हमें एयर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी उस स्क्रीन पर? ज्यादा ठीक है,
तो जब वो आपके पास एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली वो डैम्पिंग भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। मतलब आप पेंडुलम के आगे एक फ्लैट स्क्रीन जो है वो कार्डबोर्ड स्टिक कर दो, तो इतना क्लीन उसको ओपन सरफेस एरिया मिलेगा। तो जब एयर रेजिस्टेंस उस पर एक्ट करेगी तो ऑटोमेटिक जो है वो डैम्पिंग इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी बाय एडिंग पेपर क्लोथ फेदर्स एक्सेट्रा, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा है कि बैडमिंटन में वो जो शटल होती है हमारे पास, तो उसमें भी फेदर्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि वो मैक्सिमम उसे एयर रेजिस्टेंस मिले, वेट भी उसका लाइट रहे और वो एयर में ज्यादा टाइम जो है वो प्रोजेक्टाइल की तरह मूव कर सके इजीली। और सेकंड जो फैक्टर होगा अब एयर की तो हमने बात कर ली, अगर यही ऑसिलेशन हम वाटर सरफेस में कर रहे हो तो डेफिनेटली फ्लूइड की वजह से आपको ऑसिलेशंस में डैम्पिंग ऑटोमेटिक नजर आएगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स भी रेजिस्ट करेंगे हमारी मोशन को। तो जब हम बॉडी को ऑसिलेट करेंगे इन अ विस्कस लिक्विड, मतलब हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम का सेटअप है, हम उसे एक एक्वेरियम में रख दें जहाँ पे वाटर आपके पास मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे, या ग्लिसरीन के हम सेटअप में रख दें उसे, या ऑयल के सेटअप में रख दें, तो उस कंडीशन में भी डैम्पिंग इंक्रीज हो जाती है। जिस तरह हम ऑयलिंग यूज करते हैं कार के जम्प्स में, शॉक एब्जॉर्बर्स में, तो उससे क्या होता है कि डैम्पिंग आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनकी मोशन जो होती है अपनी सॉलिड की वो रेजिस्ट होना शुरू हो जाती है जो ऑयल आप यूज कर रहे हो या जो लिक्विड यूज कर रहे हो उनके मॉलिक्यूल्स की वजह से, क्योंकि वो भी थोड़ा सा थिक होते हैं ऑयल के मॉलिक्यूल्स, तो वो भी इतना स्मूथ फ्लो, मतलब वो इतना फास्ट फ्लो नहीं करते वाटर की तरह, तो वो बॉडी की मोशन को भी रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से डैम्पिंग इंक्रीज हो जाती है। आप इनके रिवर्स फैक्टर में चले जाओ तो डैम्पिंग डिक्रीजिंग की तरफ चली जाएगी, आप एरिया शॉर्ट कर दो तो डैम्पिंग आपकी डिक्रीज हो जाएगी मोशन बॉडी की जो भी है। और इसी तरह से अगर आप ऑयल से आप वाटर की तरफ आ जाओ तो वाटर में विस्कोसिटी यानी जो उनकी लेयर्स की अपनी इंटरनल फ्रिक्शन होती है वो भी कम होती है, क्योंकि वाटर जो है वो ऑयल से कम थिक होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वहां पे आपको डैम्पिंग ऑयल के कंपैरिजन में कम की। तो ये सारे फैक्टर्स हैं आपके पास जिनकी हेल्प से आप डैम्पिंग को इंक्रीज या डिक्रीज की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसमें हमने ये भी देख लिया कि पेंडुलम किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर सकता है।